Which car is this? Mercedes. Which car is this? G-Wagon. G-Wagon. Where are you living to? G-Wagon. Lucky guy. Chalo, let's drive. ये जो आप लाइट देख रहे हो ये यहाँ से बेसिकली प्रोजेक्ट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ एक लाइट है, सो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टिंग द मर्सिडीज वाला लोगो एंड इट्स ऑन बोथ साइड, इस साइड भी उस साइड भी। मॉर्निंग, सो टाइम राइट नाउ इज लाइक 11:30 AM। आज मैं ऑफिस नहीं जाके आई नीड टू गो अहेड एंड डू माई शॉपिंग। अभी लास्ट दो महीने से हर चीज़ अपने को छोटे से छोटे सामान भी अपने ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता, बिकॉज आई डिड नॉट हैड कार एंड डुकेटी एंड जीएस से लेकर मैं बहुत सारा सामान मतलब ले आता हूँ। जीएस में तो पूरा शॉपिंग हो जाता है, लाइक माई वाइफ एंड किड कुडंट गो विथ मी मतलब शॉपिंग के लिए, सो वी हैव टू गो टुडे एंड फिनिश ऑल द शॉपिंग। मेरा कितना सारा सामान पेंडिंग है क्योंकि कल रात इसको साफ करने में जो फटा इसका इतना बड़ा सरफेस है। मेन प्रॉब्लम विद द जीवैगन इज आप इसको धोने के लिए दे भी नहीं सकते क्योंकि इसका ऊपर वाला आप साफ नहीं कर सकते। इसके ऊपर वाले को साफ करने के लिए आपको इसमें चढ़ना पड़ेगा, यहाँ चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर वाला साफ करना। अभी अगर मैं किसको इसको धोने के लिए देता हूँ वो जब सट के जाके करेगा देन उसमें दाग हो जाएगा, उससे अच्छा आई हैव टू गेट इट डन माई सेल्फ ओनली। मैन, टू बिग सर्फेस टू वॉश इट एंड एक्चुअली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वॉश दिस कार, इट्स टू बिग। मेरे दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया है, एक बोलेरो कहीं से अरेंज करता हूँ, ब्लैक वाला बोलेरो एंड जीवैगन साइड बाय साइड रखेंगे, कंपैरिजन वाला वीडियो बना, तो एक्चुअली लोगों को मालूम पड़ेगा कि बोलेरो एंड जीवैगन में डिफरेंस क्या है। वन इज लाइक 10 लाख एंड द अदर वन इज लाइक 2 करोड़, सो 10 लाख एंड 2 करोड़ में साइज का डिफरेंस क्या है। ऑफकोर्स मतलब फीचर्स वो सब तो भूल जाओ, एटलीस्ट बाकी साइज का एक मतलब लोगों को आइडिया आना चाहिए। जी वैगन का साइज क्या है एंड बोलेरो का साइज क्या है, पूरा साइड बाय साइड रख के उसके मस्त वाला कंपैरिजन वाला वीडियो बनाएंगे। लेट मी नो इफ यू वांट दैट वीडियो एएसएपी, कमेंट्स में बताओ अगर वो वीडियो को जल्द देखना है तो। अभी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट ही डाला था कि भाई अब डिलीवरी में टेक योर डैड एंड मॉम। आई हैड ऑल्सो आज मेरी मॉम की इफ़ दे कुड हैव केम टू भुवने मतलब मुंबई फ्रॉम भुवनेश्वर, बाकी तब कोविड का सिचुएशन था एंड आई डिड नॉट वांट टू रिस्क देयर लाइफ फॉर दिस मतलब छोटा वाला डिलीवरी के लिए। सो अभी के लिए माई पेरेंट्स कुडंट गो फॉर द डिलीवरी बट आई एम गोइंग होम टूडे टू मीट देम। सो बेसिकली मेरा देखो यहाँ भुवनेश्वर में दो घर है, एक घर इज़ लाइक नियर द एयरपोर्ट एंड एक घर इज़ नियर माई ऑफिस, सो बेसिकली कीप ऑन ट्रैवलिंग टू बोथ ऑफ द होम्स। सो एक घर मेरा जाना पड़ता है, लेट मी जस्ट receive a call. So abhi I am just leaving for home and dad has actually requested to drive this car. So dad has not driven my A4 or Z4. He has never actually shown the interest. बाकी जी वैगन को देख के फोटो में देखिए से मतलब सेड की जी वैगन को तो ड्राइव करना है बॉस, सो कम टू होम ही wants टू ड्राइव इट। सो अभी देखते हैं जाके ही इज एबल टू ड्राइव और नॉट। सो वी आर ऑन आर वे टू होम। सो बेसिकली मेरा ये जो दो घर है दो घर के बीच में डिस्टेंस इज लाइक 20 to 22 किलोमीटर, बाकी रात के टाइम में इतना ज्यादा भीड़ रहता है इट टेक्स मोर देन ऑलमोस्ट रास्ते में तो हर जगह पे कैमरा लगा दिया, सो दे हैव टू सी द कार। सो Z4 एंड A4 डैड हैड नॉट ड्रिवन इट, डिड नॉट इवन आस्क फॉर इट, बट जी वैगन का आई डोंट नो ही हैज शोन सम इंटरेस्ट टू ड्राइव इट। सो आज तक मेरे को तो मालूम नहीं है इफ ही हैज ड्रिवन एनी ऑटोमेटिक कार्स और नॉट, बिकॉज द कार विच ही हैड इट वॉज एम्बेसडर, अपना वो एम्बेसडर में यहाँ पे किया था। I will show him how to do it. देखो उधर से एक रॉन्ग साइड से आके तीन बंदे आके खड़े हुए बैठ कर, भाई मानना पड़ेगा, नमस्ते ये लोग। एनीवे, सो अपना जो वो जो था एम्बेसडर इट वॉज लाइक मैं भी जब कार सिखाऊं आई हैड लर्न माई कार ड्राइविंग फ्रॉम दैट सेम एम्बेसडर, वो यहाँ पे था, अपना एक ड्राइवर था माई डैड एज ए ड्राइवर, वो पूरा फुल टाइम गांजा वाला था मतलब पूरा होल डे वो पी के बाद स्टूल होकर रहता था। मैं जब क्लास 8 या 9 में था उसको मैंने पूछा कि मेरे को कार सीखने लेके चलाने सिखाओ मेरे को, सो वॉट ही डिड इज ही टूक द एम्बेसडर, मेरे को लगे बैठो सीधा चलते हैं ग्राउंड, ग्राउंड में आपको ये करना है। तो जैसे मैं ग्राउंड पहुंचा ही सेड कि अभी आप खुद ही चलाओ बिकॉज मेरे को नींद आ रहा है। यूट्यूब भी नहीं था ना, आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, डिड नॉट गेट टू नो एनी इन्फॉर्मेशन। तो मैं बाकी मेरा बहुत इंटरेस्ट था कार्स में तो मेरे को सब कुछ मालूम था कि हाँ कैसे क्या होता है, सो आई जस्ट स्टार्टेड सैट ऑन द कार वाला सीट, यहाँ पे एक गियर मारा और सीधा आगे लेके भागा पूरा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पूरा मतलब मेरे को 2 दिन या 1 दिन ही ऐसा लगा था, 2 दिन ही एट मैक्स, 2 दिन में आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द रोड, मेरे को पूरा कंट्रोल भी आ चुका था। सो दैट इज हाउ आई हैड
learned car driving from my dad's ambassador. So, उसके बाद I don't think my dad has ever driven a car. मतलब उनके पास अभी भी एक कार है, that is the Toyota वाला, जो छोटा वाला. बाकी that is again not automatic, वो भी manual वाला है. वो तो आप मेरा कुछ ओडियाटो का ब्लॉग में आपने देखा भी होगा. So today he is going to drive this automatic वाला car. तो automatic में ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है. All you have to do is just keep a control on your brakes. तो अभी उनको जाके दिखाते हैं. पहले तो उनको size दिखाना, because everyone who is confused about this car is about the size. क्योंकि photos and videos don't do proper justice to this car. आपको photos video में बहुत नीचे से छोटा दिखता होगा, एंड लोगों का एंगल भी मालूम नहीं रहता है कैसे फोटो वीडियोज लेना है. आपको मेरे वीडियोज देखना तो मालूम पड़ा होगा एक्चुअली कार इज टू ह्यूज, बिकॉज आई नो हाउ टू शो द कार, हाउ द कम्पोजिशन इज. Anyways, let's just go ahead, reach home, show them the car, then we'll take them for a drive and I will let him drive. अभी देखते हैं वो चला सकते हैं कि नहीं. So how do you feel driving this car? Oh, of course. Almost after a month. More than a month. Z4 जाके अभी हो गया almost 1.5 months. बाइक में जाना ना, वो भी एक एक्सपीरियंस. Yeah, it was good. Hey, यार इतने जल्दी में रहते हैं ये लोग. I wanted to go for a ride in your. Why don't you try GSA. Just sit. No, GSR. Oh, GSR ride. Yeah, GSR ride is pending as well. But why don't you ride this? Just sit and start. Yeah, I'll Nothing try else once. To be done. I'm quite afraid of vlog आएगा जिस दिन. उस दिन vlog आएगा. Huge computerized. बाकी उससे पहले इंश्योरेंस वाले भी फोन करना पड़ेगा. भाई अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस फटाफट से क्लेम हो सकता है कि नहीं. Because I cannot wait for the car to stay in the showroom for a long time. Is it same as Audi or? Everything is same. All you have to do is just sit, start the car because and if put it's the. Same as Audi then. It's everything I is same. I am pretty confident about. Everything is otherwise. Same. Z4 driving the Z4 is difficult क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पावर है. इसमें बाकी it's very nice and calm. Come. Where is Siri? Where is Siri? I don't wanna go and waste another day. Mess it up again. So time is right now like 11:30 PM. आज भाई इतना busy वाला day था. For now I need to first unbox my lens. Normally lens कभी मैं order करता हूँ तो immediate खोलता हूँ. आज पहली बार इतना late wait करना पड़ा. So basically the Sony warranty card, ये सब warranty नहीं दिखेगा भाई. मेरे पास सीधा lens अपना दिखाओ so that I can just install it to the camera and see how it looks. So this is the lens which I'm shooting right now. It is a 16-35mm f/2.8 Sony GM lens, and this has been on my camera for last कितना साल से मैं इसको use कर रहा हूँ. Close to like 4-5 साल से मैं use कर रहा हूँ. बाकी मेरा जो 14mm था एक Samyang का था, तो I was always mostly using 14mm lens during my travel. बाकी 14mm Samyang वाला have already sold it last week. क्योंकि ये वाला मेरे को अभी तक मतलब close to have ordered this 2 months back. अभी मेरे को 2 महीने बाद पहुँचा, US से order हुआ था. So anyways, the lens has finally reached. फिर इसको खोल के देखते हैं कि एक्चुअली ये उतना लाइट वेट है कि नहीं. So this is how the lens packaging is. And man, this is actually lightweight and small as well. Perfect. खाली एक ही इशू है कि इसके सामने अपन ये इसका फिल्टर नहीं लगा सकते. फिल्टर के लिए अपने को पीछे में घुसाना पड़ेगा. यहाँ पीछे में फिल्टर, पीछे वाला फिल्टर anyways I'm not using. Mostly I will be using this मतलब indoors, outdoor के लिए ये 16-35 ही रहेगा. बाकी दिस इज़ द फिक्स्ड प्राइम लेंस 14mm. एक ही इशू है कि इसमें फिल्टर अपन लगा नहीं सकते, नहीं तो एवरीथिंग इज़ गुड टू गो. मतलब अगर आपको मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए विद ए गुड रेंज, लाइक 16-35mm इज़ द परफेक्ट रेंज, देन 16-35mm f/2.8 मेक्स मोर सेंस. अगर आपको मतलब वो रेंज से आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको वेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, देन 14mm मेक्स मोर सेंस. बट द प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम. 16-35mm लेंस आपको वही 1.8 या 1.9 lakhs ऐसे कुछ लगता है. This one costs you close to like 1.45 lakhs. So pretty much the same. So this is what you see is at 16mm. अभी ये 14mm लगा के आपको दिखाता हूँ कि exactly कितना ज़्यादा मतलब फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है. So this is what it looks on the 14mm. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू हो गया. ये जो 16mm था उसमें आप देख सकते हो कि मतलब 16mm नॉर्मली इतना ऐसा कुछ रहता है. 14mm, this is where it gets. Hey, what is up? Bye.
एंड भाई ये वाला लेंस को मेरे को एक्चुअली नीड टू सेंड इट टू द सोनी शोरूम, क्योंकि इसका ये जो लेंस है दिस हैज बीन यूज्ड लाइक इन ऑल ऑफ माय ट्रिप्स एंड दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस लाइक 4 या 5 साल से आई एम यूजिंग दिस। अब इसका एक इशू है, व्हेनेवर आई गो फ्रॉम 35 to 16 millimeters साइड में थोड़ा विग्नेट हो जाता है, क्योंकि इसका जो अपना इसके अंदर इतना सारा ग्लासेस का जो अरेंजमेंट है, होप मेरे को लगता है कि एक ग्लास में भी थोड़ा इधर उधर हो गया, कभी मैं जब 16mm को जाता हूँ थोड़ा विग्नेट हो जाता है, उसके बाद जाके मेरे को लेंस को एक बार खोल के फिर से और एक बार लगाना पड़ता है, कभी कभी होता है, उसके बाद कभी कभी फिक्स भी नहीं होता है। सो इसको अभी जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर जाएगा देन इट विल बी कमिंग बैक इन लाइक मे बी क्लोज टू 1 month के अंदर आ जाना चाहिए। सोनी का वही एक पंगा है भाई, कभी भी आप रिपेयर के लिए भेजो तो मिनिमम आपको 1 महीना तो लगता ही है बस, उसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए हैड टू गेट दिस लेंस। मेरे को मालूम था कि ये लेंस आने में टाइम लगेगा एंड जैसे ये लेंस आएगा उसके बाद आई हैड टू सेंड दिस थिंग टू सोनी शोरूम। बाकी आप डेप्थ से देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डेप्थ आ रहा है, मतलब इमेजिन ये वाला 14mm लेके अपना अभी ट्रैवल अगर शुरू हो जाता है आपको पूरा मतलब सब कुछ दिखेगा, पूरा मतलब चारों ओर बैकग्राउंड सब कुछ दिखेगा। आई लव दिस 14mm फोकल लेंथ। बाकी 14mm में फोटोज के लिए 14mm मत लेना, 14mm इज फेयर फॉर लाइक वीडियोज, क्योंकि अगर आप एक स्टेबिलिटी वाला अपना जो क्या बोलते हैं उसे स्टडी शॉट अगर आप ऑन करते हो वो थोड़ा पास आ जाएगा, अगर उसको ऑफ करते हो वो पूरा मस्त इतना दूर भी हो जाएगा, अगर फोटोज लोगे तो वो ऐसे कुछ दिखेगा ऐसे पोर्ट्रेट। सो डोंट यूज दिस 14mm फॉर फोटोज, फॉर वीडियोज इट्स गुड टू गो। बाकी इसका पूरा एक डिटेल वाला वीडियो अपना ऑसम वाला चैनल पे आएगा, लाइक इफ यू कैन यूज ए 14mm, आई मीन इफ 14mm इज गुड फॉर ब्लॉगिंग और नॉट, वाला वीडियो ऑसम चैनल में नेक्स्ट वीक का एक बार वंस आई एम डन विद ऑल दिस कास्ट, उसके बाद जाके वाला वीडियो को लाइनअप करके रखें, उसके बाद जाके वो आएगा।